जय भोलेनाथ दोस्तों, 2:48 PM आफ्टरनून और आज 15 नवंबर है 2020 और आज संडे है, तो दिवाली सबकी सुखद बीती होगी और आज राम राम करने का दिन है। दिवाली में राम राम करते हैं हम लोग, मारवाड़ियों में ऐसा ही होता है। और आज न्यू ईयर भी है ना, तो कई चीज़ है आज। और आने वाले टाइम में छठ पूजा भी आएगी जो बिहार में धूमधाम से मनाई जाती है, पूरे देश में भी धूमधाम से मनाई जाती है। तो अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो कल मैंने वीडियो इसलिए बना दिया, ऐसे ही बना दिया था क्योंकि मैं कल बाहर था, ऑफिस में था, तो अभी मैं आज घर पे हूँ, तो मैं सोचा पूरा डिटेल्ड में आपको एक वीडियो बना दूँ कि मेरा इस आने वाले जो 8-10 दिन है ट्रेडिंग के, इस महीने में कितने ट्रेडिंग डेज बचे, पहले तो ये देख लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 17 से स्टार्ट होगी, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, तो पूरे भगवान ने भी 10 ही ट्रेडिंग डेज रखे हैं 30 तारीख तक का। देखिए 17 को 1, 2, 3, 4, 17 से लेकर 30 तक का 10 दिन बाकी है, 10 दिन ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज मतलब एक्सक्लूडिंग हॉलीडे। तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पहले तो मैं डिस्क्लेमर दिखा देता हूं आपको, इसको पढ़ना अनिवार्य है। पहले डिस्क्लेमर आपको खोल के दिखा देता हूं, मैंडेटरी है, इसको पढ़ना अनिवार्य भी है। और ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल भी लिखा हुआ रहता है। और ये देखिए दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आज ये मेरा, पहले तो मैं मेरे चैलेंज की बात कर लेता हूँ। अच्छा, इसको लेके भी कुछ लोगों के घर चल जाते हैं, मैं जब चैलेंज करता हूँ तो उसके नाम पे कोई वीडियो बना के अपने घर चलाते हैं। तो मेरे बाप ने मुझे बचपन में एक सिखाया कि तू समझ लेना तू बड़ा आदमी हो गया, जब तेरे नाम से भी कोई रोटी खा सकता है तो तू बड़ा आदमी हो गया। तो अच्छी बात है, उसको मैंने कई बार भड़वा उड़वा कई चीज़ बोल दिया लेकिन सुधरता नहीं है। नाम लेके मैं अपनी इज्जत नहीं घटाना चाहता हूँ। तो नॉर्मली उसके वीडियो में 500 से 1000 व्यू भी नहीं आते हैं, जब वो मेरे नाम लेके वीडियो बनाता है तो उसके 2000 आ जाते हैं, 2500 आ जाते हैं, 1 घंटे में 2500। तो इससे क्या साबित होता है, आप अमिताभ बच्चन का नाम ले लोगे अपने किसी भी वीडियो में तो उसको लोग देखेंगे क्योंकि अमिताभ बच्चन का नाम है, लेकिन आप अपने नाम से बनाते हो तो आपका कुछ भी नहीं आता। यानी कि तुम्हारी औकात है भड़ुए से भी नीचे की, ठीक है, बस समझ गया मैं जिसको बोल रहा हूँ, वो भड़वा है, भड़वा या भड़ुए की नाजायज़ पैदाइश है वो, या गंदी नाली की नाजायज, उसको मैंने ऐसी गालियाँ पहले दे चुका हूँ फिर भी वो सुधरता नहीं और किसी के परिवार को मैं चोट नहीं पहुँचा, वरना मैं उसको 1 सेकेंड में अंदर करके उसके पूरे परिवार को रस्ते पर ला सकता हूँ, लेकिन ये नहीं चाहता हूँ मैं किसी के साथ। और मैं अपनी अच्छाई, मैं अपने आप से चैलेंज करता हूँ। तो आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, 10 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, 12,150 तो मेरा मिनिमम टारगेट है। क्या है? दैट इज़ माई मिनिमम टारगेट। मतलब मैं वहाँ खुश नहीं होऊंगा, मैं खुश होऊंगा जब 11,900 दिखा देगा। वो तो मैंने सिर्फ चैलेंज के लिए बोला कि 8 से 10 ट्रेडिंग डेज में 12,150 निफ्टी आएगा, ठीक है, 8 से 10 ट्रेडिंग डेज में। तो 10 ट्रेडिंग डेज कब खत्म होंगे, 17 तारीख से गिन लीजिए आप, कब होंगे, 30 तारीख को। तो 30 तारीख के पहले पहले निफ्टी 12,150 तो एट एनी कॉस्ट आना है। दुनिया की क्या, पूरे विश्व की कोई भी ताकत, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती कि ये 12,150 नहीं है या 12,200 नहीं है। दैट इज़ द टारगेट कि मैं YouTube लाइफ टाइम के लिए, नॉट फॉर टुडे और टुमारो और 2 महीने के लिए, लाइफ टाइम के लिए मर्द की जबान है, छोड़ डालूंगा। लेकिन मैं उससे खुश नहीं हूँ कि 12,150, मेरा टारगेट 11,900 है पर्सनल, लेकिन चैलेंज है मेरा 12,150। 30 तारीख तक का समय हुआ, 10 ट्रेडिंग डेज गिन के मैंने दिखा दिया आपको, ये होता है मर्द की जवान स्टार्ट ऑफ द वीडियो। अब मैं रीजन और लॉजिक भी समझा चुका हूँ कि निफ्टी ओवर स्ट्रेच हो चुका है 20 SMA से, वो भी मेरा वीडियो आ चुका है, उसके नाम पे दो रोटी कोई खा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका दुकान चलती नहीं तो क्या करेंगे। अब देखिए, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही तो आप बाटा या टाटा का ही नाम लोगे ना, क्योंकि आपके तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, तो वैसा ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं उस स्तर पर नहीं गिना, लेकिन उसको एक्चुअली वो सब क्या, मेरे हिसाब से ये सब गंदी नाली के जो कीड़े होते हैं ना,
उनको आप कितना भी ज्ञान दे दो तो कोई फायदा नहीं। साफ अगर तुमको मुझे हराना है या किसी को भी मुझे हराना है तो साबित कर, ऐसा कोई चैलेंज तू भी कर यूट्यूब पे कि ला के दिखाऊंगा। कौन था, कोई माइका लाल पैदा हुआ था उस दिन या कोई शख्स हुआ था जब 11535 निफ्टी चल रहा है और क्या बोलता है कि दो क्लोजिंग आ जाए 11661 के नीचे, तो मेरा स्टॉप लॉस, और इसी नवंबर में, ये 30 तारीख की बात है, 30 अक्टूबर की, नवंबर में आपको ऑल टाइम हाई क्रॉस कराऊंगा और मेरा टारगेट क्या है दिसंबर तक का 13200 विथ लॉजिक विथ फ्लैग समझाया। तो मैं 12500 तक तो तेजी में ही था, इसका मतलब ऑल टाइम हाई बनेगा, तो मैंने शॉर्ट कहाँ से बोला 12500, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू 13200 चला जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर कब होगा, जब वापस 11900 आएगा, फिर मेरा टारगेट वापस 13200। तो मैंने उस 30 तारीख को अकेला शख्स पूरे विश्व में यूट्यूब में जो 30 तारीख को जब 11535 निफ्टी चल रहा है तब क्या बोलता है, आप देख लो उस दिन के 2-3 वीडियो सारे देख लो, सब एक ही शब्द एक ही बात कि एनी टू क्लोजिंग बिलो 11661 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, जबकि चल रहा है 535, यानी कि कितना बड़ा दाव खेलता हूँ, 535 चल रहा है और स्टॉप लॉस क्या बोलो, एनी टू क्लोजिंग बिलो 661, मतलब उससे भी 130 पॉइंट ऊपर की एक स्टॉप लॉस है, दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग एक ही बार आई 642 की, क्या हुआ निफ्टी 5 से 6 ट्रेडिंग डेज में उसने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया। मैं तो पूरे नवंबर की बात किया था, ठीक है, और मैंने दिसंबर तक का टारगेट दिया था 13200, वो क्यों दिया, वो भी फ्लैग और पॉल पैटर्न से दिखा के समझाया था, कोई नहीं। मैं 12500 पे शॉर्ट क्यों बोला, क्योंकि मुझे ये ओवर स्ट्रेच लग रहा था, तो करेक्शन तो ड्यू है, डेफिनेट है। अब तो मैं ये भी चैलेंज कर दिया कि मेरे 47000 सब्सक्राइबर को मैं अलविदा कहने की ताकत रखता हूँ, इसको बोलते हैं मर्द का पैदाइश, ठीक है, और किसी तुम्हारे जैसे टटपुंजियों की हमको दरकार नहीं पड़ती, ठीक है। प्रमोद जैन का वीडियो जब जब आता है लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये बंदा सच्चा और एक पैसा नहीं मांगता, ना कोई ज्वाइन बटन, तुम में से कोई अगर इतना ऊपर आ जाए ना तो वहाँ पे ज्वाइन बटन कभी लगा दे, है ना, कब से भीख मांगने लग जाए, है ना, लेकिन तुम्हारी टैलेंट ही तुमको कौन देगा बे, भिखारी हो। उसके पहले सितंबर सीरीज आ जाइए, फिर 24 सितंबर 2020 निफ्टी 10790 कितना चल रहा था, 10790, क्या वीडियो बनाया प्रमोद जैन ने, अक्टूबर में 12000 क्या बनाया, चेक कर लीजिए, 24 सितंबर एक्सपायरी की डेट थी निफ्टी की 10790, अक्टूबर में 12000। बहुत सारी ट्रोलिंग आई, मुझे हंसी आई, हंस हंस के लिखे लोगों ने कि सर ये तो 11000 ही नहीं आएगा, आप 12000 की बात कर रहे हो अक्टूबर में, है ना, तो मैंने बोला चेक कर लेना भाई, तो 11 ट्रेडिंग डेज में 12000 आ गया था, 11 ट्रेडिंग डेज में 10790 लो बनाया था 24 सितंबर को, उस दिन का भी वीडियो आप देख लीजिए। तो ये दावे मैं ऐसे करता हूँ, हवा में नहीं करता हूँ। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 ट्रेडिंग डेज बचे हैं 30 तारीख तक, निफ्टी की पूरी ताकत लगा लो निफ्टी, तुम 12150 नहीं आके दिखाओ, पूरी ताकत लगा ले, चलो 13000 चल जा, 13500 चल जा, तेरी ताकत है तो तू 12100 मत आके दिखा, ये मैं दावा कर रहा हूँ, ये स्टडी है, अपनी नॉलेज है, इस पे दम पे बोलता हूँ, ना कि कोई तुक्का नहीं मार देता हूँ कि 12 बजे बढ़ेगा, 12:30 बजे घटेगा, 2 बजे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे, और लॉजिक आपको समझा चुका हूँ मैं ऑलरेडी 20 SMA वाला, ठीक है, ओवर स्ट्रेच्ड, इट हैज़ टू कम टू टेस्ट इट्स 20 SMA। तो अब आ जाइए, अब जो कल वीडियो मैंने, क्योंकि कल मैं ऑफिस में मोबाइल से बना रहा था, क्योंकि वो मैं सेल्फी वीडियो से बना रहा था, तो वो आपको दिखाने में थोड़ा ठीक से नहीं दिखा चार्ट, अब मैं आपको वो चार्ट पहले दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पी रेशो दिखा देता हूँ, तो एक बड़ा कारण मेरा ये भी है कि ये 34.73 पे है पी रेशियो निफ्टी का, ऑल दो आप लोग बोलोगे सर पहले भी तो था, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको 1 अक्टूबर से दिखाता हूँ ये, तो साहब इसको अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हो तो आप ज़िंदगी में एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। FI के फिगर देख के भी खुश मत होइए, FI 5000 से 1500 पे आ गई है, ये सिग्नल होता है मेरे भाई कि तुमको ट्रैक करने के लिए हम 5000 का डाटा ला रहे थे, अब 2 दिन से तुम क्यों 1500 और 2000 करोड़ का डाटा ला रहे हो, क्योंकि तुमको पहले, और FI क्यों बेचेगी ये भी बता रहा हूँ,
एफआई ने पांच गैप अप कर दिया ये निफ्टी की रैली में, पांच गैप अप, ये जो 12750 या 12800 पहुंचा है इसमें पांच गैप अप है, तो पांच बार तो बिना खेले उसको 100-100 पॉइंट मिल गए, समझ में आया, बिना खेले तो 500 पॉइंट का तो ऐसे ही विनर हो गया वो। तो अब वो माल कहाँ से जमा किया था, 7511 से, जो 24 मार्च का लो था, 24 मार्च 2020 का, वहाँ से इन पे क्या लगा था, रेस्ट्रिक्शन लगा था शॉर्ट सेलिंग पे बैन, जो कि नवंबर 26 तक, तो अभी तक है सेबी का लागू है नवंबर 26 तक, बट ये एक्सटेंड होगा कि नहीं ये हमको 20 या 21 को फिर से जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा। मुझे नहीं लगता इस बार एक्सटेंड होगा, एफआई पूरी तैयारी पे है शॉर्ट करने की, और उनको 550 पॉइंट का तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो गैप गैप से उन्होंने कमा लिए ये अभी रिसेंट रैली में, ठीक है। 11500 से जो 11535 से जो अभी 12800 आया है इसमें पांच गैप है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसने 400-500 पॉइंट तो ऐसे ही कमा लिए बिना खेले ही, तो ये तो आपको पहनाएगा, आप लोग को इधर बायर मेंटेलिटी पे ला दिया गया, यानी कि सबसे लोवेस्ट पे आप लोग को शॉर्टर बनाया गया था 7511 पे, और सबसे टॉप पे 12800 पे आपको बायर बना देंगे। फिर ये जो शार्प फॉल आएगा 11900 तक, उस समय आपको लगा अरे मार्केट गया, उधर आपको सेलर बना के फिर 13200, ये तरीका होता है। तो आप देखो यहाँ से मैं 1 अक्टूबर से दिखा रहा हूँ, हाईएस्ट फिगर आपको 13 अक्टूबर का दिख, 12 अक्टूबर का दिख रहा होगा 34.76, कितना था 34.76, इससे ऊपर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, नहीं एक और है, सॉरी 34.87, ये सबसे हाईएस्ट पी रेशियो दिखा रहा है 14 अक्टूबर का 34.87, तो हम लोग लगभग हाईएस्ट पी रेशियो पे आ गए 34.73 दिवाली वाले दिन, ठीक है। वो भी 14 तारीख थी, आज भी कल भी 14 तारीख थी, 14 अक्टूबर को 34.87 टॉप बनाया था, और ये 14 नवंबर को भी इसने 34.73 लगभग टॉप पे पहुंच गया। ये खतरे की घंटी है, भले ही आप बोल दो कि कोविड था ये था, अरे भैया ये पी रेशियो को मैं जस्टिफाई कर ही नहीं सकता एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब आ जाइए एक फेवर में मार्केट के, वो भी बताना पड़ेगा, इंडिया विक्स बहुत कंफर्टेबल प्राइस पे आ गया, ये फेवर में मैं इस जो बोलूँगा यहाँ पे लॉजिकली 19.13 बहुत अच्छी विक्स आ गई है, ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कंट्रोल में है, यानी कि फियर जो है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स को हम लोग फियर इंडेक्स भी बोलते हैं दोस्तों, फियर इंडेक्स, जब जब फियर राइज होता है मार्केट में वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्लाइम करता है, तो फियर जब जब कंट्रोल में आता है ये इंडेक्स नीचे की तरफ आता है, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हो। ये फियर कब एक्सट्रीम था, जब मार्च महीने में जो बुरी तरह से गिरावट आई थी तब ये 87 भी पहुंचा था वॉलेटिलिटी इंडेक्स, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये फेवर वाला पॉइंट है मार्केट का, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी फेवरेबल नहीं लग रहा, बाकी कोविड हो, कोरोना के केसेस हो, वर्ल्ड इकोनॉमी के स्लो डाउन हो, सब कुछ खतरनाक है, ठीक है। अब आज डेली चार्ट पे, कल दिवाली का मुहूर्त था दोस्तों, अगर मेरा देखने का तरीका क्या होता, ओपन कहाँ किया और क्लोज कहाँ किया, कल ओपनिंग किया 823 पे दिवाली मुहूर्त में, क्लोज कहाँ किया 780, यानी कि 43 पॉइंट्स अपनी ओपनिंग से लूज करके क्लोज किया, यानी कि जहाँ ओपन किया वहाँ से 43 पॉइंट नीचे बंद हुआ, तो इसको वीक बोलेंगे या तेज बोलेंगे आप बता दीजिए। सुबह तुम अगर चांदी का भाव खोलते हो 60,000 और शाम को क्लोज करते हो 59,000, तो आज की ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस हो गया 1,000 पॉइंट का, तो अल्टीमेटली तुम आज 1,000 पॉइंट गिरे या बढ़े, तुम कल की क्लोजिंग को एक बार गोली मार दो, आज ओपन कहाँ हुआ उससे बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो ये कल एक रेड कैंडल इसने दिखाई दिवाली मुहूर्त पे। अब आइए जो मैं समझाना चाहता था वो भी आपको क्लियर कर समझा देता हूँ, जो कल मैंने आपको बोला था वही चार्ट है, वापस दिखा रहा हूँ, ये वीकली चार्ट आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ। मैंने इस हाई पे टच किया, देखिए आप है ना, इस हाई पे टच किया, ऑटोमेटिकली ये हाई टच हो गया, ऑटोमेटिकली ये वीकली हाई टच हो गया, वीकली चार्ट है, ऑटोमेटिकली इस वीक का भी हाई इसमें टच हुआ, निकला नहीं है ऊपर, और अगले वीक का मैंने लेवल कह दिया, अगले वीक 12903 हाईएस्ट जा सकता है निफ्टी, या फिर
अगर आपको स्टॉप लॉस भी मानना है तो दो डेली कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, अगर मार्केट दो बार दो दिन कंटिन्यूस, यानी कि मंगल और बुध या बुध और गुरु या गुरु और शुक्र को दो कंटिन्यूस डे अगर 12903 के ऊपर क्लोज कर देता है तो मैं नतमस्तक होकर अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। 12903 के ऊपर दो, मैं अगले वीक की ये रेंज दे रहा हूँ। 16 से मैं यहाँ पे 16 लिख दिया, लेकिन ये 17 से वीक, ठीक है, 17 से 20 की वीक में 11 और नीचे का लेवल 11865 आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये वाला, ये देखिए, ठीक है, ये भी मैं आपको 16 11880 आ रहा है, मैं 65 लिख दिया, कोई बात नहीं, 865 ही रहने दीजिए। नीचे का सपोर्ट ये है पूरी वीक का, 4 दिन की वीक है इस बार। और स्टॉप लॉस क्या बोला मैंने, दो कंजिक, आप लोग नोट कर लीजिए, अगर दो बार क्लोज कर देगा तो भी आप मेरी हार मान लीजिएगा। किसके ऊपर? 12903 के ऊपर, ठीक है, दो दिन कंटिन्यू, दो दिन की क्लोजिंग, मुझे तो एक दिन की भी नहीं आएगी, ये भी कंफर्म है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ दो क्लोजिंग अगर हो गई तो मेरी हार है। 13,000 जाए चाहे नहीं जाए कोई बात नहीं। और अगली वीक का लेवल आ रहा है, अगली वीक जो एक्सपायरी मंथ की वीक है, मंथली एक्सपायरी की वीक है, 23/11 से 27/11 के वीक का लेवल आ रहा है, 11951 नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल 12960। इस वीक में स्टॉप लॉस 12903 के ऊपर की दो क्लोजिंग रहेगा, और उससे अगली वीक में स्टॉप लॉस 12960 के ऊपर की दो क्लोजिंग रहेगा, ठीक है। ये समझाना चाहता था मैंने, ये इससे निकाला है मैंने, ठीक है। तो ये आप देखो परफेक्ट चैनल बना हुआ है वीकली में, और इसको बोलते हैं राइजिंग वेज की तरह, ये अपवर्ड राइजिंग चैनल है वीकली में। इसमें फॉल आएगी ना आप सोच भी नहीं पाओगे, इसको किसी भी कारण से एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। 10700 तक निफ्टी को एक बार, हो सकता है ये दिसंबर तक आए, कब तक आए मुझे नहीं मालूम, एक बार निफ्टी को नियम कानून से 10700 या 800 तक जरूर आना चाहिए। 10 बोल रहा हूँ, 11 नहीं बोल रहा, लेकिन ये लंबा प्रोसेस भी हो सकता है, इतना आसान नहीं कि एक वीक में दो वीक में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपना चैलेंज आप याद रखिएगा। तो ये हो गया मेरा आज का वीडियो, और एक ही अच्छा प्लस पॉइंट है निफ्टी के लिए कि विक्स कंट्रोल में है, ठीक है। उसके अलावा FI की बाइंग कंटिन्यू। अब आज FI के डाटा भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जब मैं इतना काम किया हूँ तो FI के डाटा भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने कर रखा रेडी। और कुछ भी मैंने अब सब निकाले ना, तो मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन ऐसे जब गंदी नाली के कीड़े रहते हैं उनको इसी तरह से उनको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ठीक है ना। उस लिए बाकी मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ जो मेरे साथ अच्छा। तो ये देखिए दोस्तों, FI पिछले वीक में 43,000 लॉन्ग थी, इस वीक में 50,000 लॉन्ग हो गई, यानी 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए हैं इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में। ये मैं कल तक का डाटा नहीं ले रहा हूँ, ये 14 का डाटा इसमें नहीं है, यानी कि कल की दिवाली वाले दिन को मैं ट्रेडिंग डे नहीं मानता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है, एक घंटे को। तो मैं फ्राइडे तक का ही ले रहा हूँ इसमें। 50,901 नेट लॉन्ग है और पिछले वीक में 43, तो ये प्लस हुआ इनका। क्लाइंट लोग पिछले वीक में 4523 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, इस वीक में ये लोग 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पे आ गए, तो क्लाइंट शॉर्ट में। तो ये एक फैक्टर है जो थोड़ा सा मार्केट को एक बार, हो सकता है मंगलवार को ऊपर की तरफ खोल दे एक बार, लेकिन टिकेगा नहीं ये भी बता दें। प्रो पिछले वीक में 14,000 क्वांटिटी शॉर्ट थी, ये लोग लॉन्ग कर लिए, तो यहाँ क्लाइंट की जो कमी थी वो प्रो ने पूरी कर दी। क्लाइंट माइनस में थे, इस बार प्लस में आ गए, और प्रो माइनस में थे 14,000, इस बार 3,000 प्लस कर लिए। ये प्लस में थे 4,000 या 18,000 माइनस में, और खाली 7,000 क्वांटिटी FI ने बढ़ाई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, पिछली वीक में FI के पास स्टॉक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे 2,93,000, इस वीक में इनके घट के 251 आ गए, यानी कि 42,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर के घटाए हैं FI ने। यही एक पॉइंट है जो बता रहा है कि अंदर से इन्होंने सेलिंग की है ना कि बाई। स्टॉक फ्यूचर घटने का मतलब, वो भी इतनी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट
एक वीक में ये अपने आप में बताता कि ये अंदर अंदर मंदी कर रहे, सिर्फ तुमको माला पहनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स कॉल में पिछले वीक में इनके पास 94,000 थे, इस वीक में घट के 68,000 पे आ गए। इंडेक्स पुट में इनके पास 91,000 थे, इस वीक में घट के, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा दोनों में। अब मेन फर्क कहाँ पड़ा, पुट राइटर्स ज़्यादा है, क्लाइंट भी पुट राइट कर रखा 50,000 क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट और प्रो भी, तो इनकी सहमत लाएगा इस वीक में, कैसे लाएगा वो ये जानता है। तो ये एनालिसिस है, इसमें सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है 251 आ जाना 293 से, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर, दैट्स इट। और आने वाले दिनों की वेबिनार एक ही आपको पता ही है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। ये 21 और 22 तारीख को है, सैटरडे और संडे को, और ये आखिरी बार होगा जो आपको इतना कम रेट में मौका मिलेगा मेरे से सीखने का, है ना। इसके बाद ये सब रेट कभी जीवन में भी आपको देखने नहीं मिलेगी, 8,500। और 21 और 22 तारीख को है, शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक चलती है दोनों दिन, शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक। और आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर आपने फ़ोन किया तो आपको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। इसको आप मेरी एरोगेंस नहीं मानिए, ये एरोगेंस नहीं है ना कुछ, मैं अपने आप को साबित कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ में मैं इसको डिस्टर्बेंस मानता हूँ जब आप मुझे फ़ोन करते हो, ठीक है। मुझे जो भी बताना रहता है मैं यूट्यूब में आपको खुल के बताता हूँ, और आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और एक सेल्फी फ़ोटो व्हाट्सअप करनी है। आप सेल्फी फ़ोटो का मतलब ये नहीं कि आप अपने आधार और पैन कार्ड भेज दो, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, एंड सबको फिर से दिवाली की हार्दिक बधाई, और सभी बड़े बुजुर्ग को मेरी तरफ से चरण स्पर्श धोक प्रणाम, और सभी छोटों को मेरी तरफ से आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, और सबका ये अगला साल जो हमारे हिंदू कैलेंडर का न्यू ईयर होता है 2077 संवत 2077 स्टार्ट हो गया है, विक्रम संवत, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं शुभकामना सबको देता हूँ। एंड लव यू ऑल। कुछ भी अब सब निकाला हूँ तो आप समझ सकते हो मेरी मजबूरी, ठीक है ना, क्यों निकालना पड़ता, ठीक है। बाकी मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने नाम भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि फोकट में मैं किसी की एडवर्टाइज नहीं करता, वो चाहते ही है कि मैं नाम लूँ, क्योंकि देखो हर छोटा इंसान चाहता कि मैं बड़ा आदमी का नाम लेके अपने आप को फेमस करूँ, ये बोलते हैं पब्लिसिटी स्टंट, जो कि आजकल यूट्यूब में भी लोग करने लग गए। बाकी उनको पता है कि उनकी कैपेसिटी इस इंसान से 1% भी नहीं है, 1% भी नॉलेज में कुछ नहीं है। दैट्स इट, जय जिनेन्द्र। और बाकी मैं किसी को भी दिल से बुराई नहीं चाहता हूँ, भगवान करे जो भी आपको अपना मेहनत से, अगर आपको सच्ची मेहनत से कोई भी अपना वीडियो बना के दे रहा है तो भगवान उसको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति दे। दैट्स इट, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय।